कोटि से प्रणाम है मेरी माता सती, आप सबके श्री चरणों में असंख्य प्यार, आप सबके श्री चरणों पर अपने मस्तक को रख के चरण वंदना अर्ज करता हूँ। स्वीकार कीजिएगा सबके सब गुण अभिमानी दानवीर कर्ण की चर्चा चल रही है शरणगति के अंतर्गत। आज कोशिश करते हैं चर्चा समाप्त हो जाए, संपन्न हो जाए। आपको याद होगा भगवान श्री कृष्ण वार्थ से कह रहे हैं, वार्थ, सब धर्मों का त्याग करके तो एक मेरी शरण में ही आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक न कर, दुखी ना हो, सिर्फ तुम्हें सब कुछ त्याग के, सब धर्मों का त्याग करके मेरी चरण शरण में आना है, मेरी चरण शरण में आ जा। भगवान श्री अपने मुख से ये शब्द उच्चार रहे हैं। सोचें कितने इंपॉर्टेंट शब्द होंगे, कितने महत्वपूर्ण शब्द होंगे, अपने मुख से कह रहे हैं कि मेरी चरण शरण में आ जा, सब सांप्रदायिक धर्मों का त्याग करके एक मेरी ही शरण में तू आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये शरणागति कितनी महत्वपूर्ण है एक साधक के जीवन में, उसी के अंतर्गत दानवीर कर्ण की चर्चा चल रही है। दानवीर कर्ण सब प्रकार से पार्थ से श्रेष्ठ है, सब गुणों में योग्यता इत्यादि धनुर्विद्या सब अर्जुन से श्रेष्ठ है। एक सफलता कर्ण को नहीं मिल रही, सफलता अर्जुन को, दोष क्या है? अर्जुन ने पूर्णता प्रदान करने वाली सत्ता को अपने साथ रखा है, अर्जुन ने सफलता प्रदान करने वाली सत्ता को अपने जीवन रथ की भागडोरी सौंप दी है। कर्ण ने इसकी जरूरत नहीं समझी, यही फेल हो गया है, इसलिए न ही परमात्मा का प्यार पा सका, न ही सफलता पा सका, इतना गुणवान होते हुए भी विनाश को प्राप्त हो गया। मैं कहता हूं ना विनाश सही, छोड़िएगा इस बात को, परमात्मा के प्यार से तो वंचित रहा, ये कोई छोटी असफलता नहीं है, जिंदगी तो मिली ही इसी काम के लिए है, कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें परमात्मा का प्यार मिलना शुरू हो जाए तो जिंदगी सफल हो जाती है, जीवन सफल हो जाता है। यदि यही नहीं मिला और सब कुछ मिला तो फिर समझिएगा कि कुछ भी नहीं मिला। कर्ण के पास सब कुछ था। भगवान श्री ने एक दिन पहले भी आपसे अर्ज की थी, अपनी हथेली पर दानवीर कर्ण के शव को जलाया था, अपनी हथेली पर। सोचिएगा कितना गुणी व्यक्ति लेकिन अभिमानी, इसलिए इस गति को प्राप्त हुआ। मानो गति अर्थात वह परमात्मा के प्यार से वंचित रह गया। कर्ण गुण है दुर्योधन, दुर्गुण बुराई। कर्ण दुर्योधन की सहायता करना चाहता है, मानो एक गुण बुराई की सहायता करना चाह रहा है, बुराई को फैलाना जा रहा है, ये भगवान के विधान के विरुद्ध है। भगवान नहीं चाहता किसी के माध्यम भी, चाहे वह गुण है या चाहे बुराई है या कुछ भी है, किसी के माध्यम से इस संसार में उसके संसार में बुराई फैले, अतएव इसकी हत्या होनी चाहिए, इसकी मृत्यु होनी चाहिए। मेरे अर्जुन का कोई बाल ना मांगा कर सके, कर्ण भी ना कर सके, बेशक शूरवीर है, बहुत बहुत बड़ा धनुर्वीर है, धनुर्विद्या में बहुत उच्चतर है अर्जुन से, लेकिन मैं अपने अर्जुन का बाल नहीं पंखा होने दूंगा, इसको मरवाऊंगा, इसको मारूंगा। आज भगवान ने इस प्रकार की बात ठान ली है, चलो देवियों सचो थोड़ी देर के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में है, अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा है, घमासान युद्ध। कुछ देर के बाद कर्ण के रथ का पहिया
धरती में धस जाता है। अतएव कर्ण अपने रथ से उतरता है नीचे। अर्जुन से कहता है, अर्जुन मैं इस वक्त रथ पर नहीं हूं। धर्म से कहता है कि इस वक्त तू मेरे ऊपर बांध न चला, इस वक्त तू मेरे पर आक्रमण न कर, ये अधर्म है। भगवान श्री कर्ण के साथ एग्री नहीं करते। यदि अर्जुन ने उसने युद्ध बंद कर दिया, अर्जुन ने युद्ध बंद कर दिया, क्यों धर्म की बात आ रही है, धर्म की दुहाई दे रहा है। यदि इस प्रकार से अर्जुन अपनी इच्छा के अनुसार जो वह धर्म को समझता है उसके अनुसार अपने कदम उठाता तो महाभारत का रंग रूप ही बदल गया होता। अतएव भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं चाहते। अतएव कहते हैं नहीं पार्थ, ये अत्यय है, अपने लिए धर्म की दुहाई दे रहा है। अभी 2 दिन पहले ही 6 आतताइयों ने मिलके, 6 महारथियों ने मिलके अकेले अभिमन्यु को मारा है, तब धर्म कहां था? तब धर्म की दुहाई क्यों नहीं थी? तब इसने धर्म का पालन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं रोका और क्यों नहीं रुका? अब अपनी बारी आई है तो धर्म की दुहाई दे रहा है। इसलिए ये स्नेह का या कृपा का या करुणा का पात्र, दया का पात्र नहीं। मार तीर से इसे खत्म कर। नीचे उतरे हुए कर्ण ने जैसा भी था लगा कि युद्ध बंद नहीं हो रहा,